इंजीनियरिंग के सबसे पुराने फील्ड्स में से एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि मशीन्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और यूज से डील करती है। ये इंजीनियरिंग की ऐसी एवरग्रीन फील्ड है जिस पर इकोनॉमिक रिसेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, इस इंजीनियरिंग फील्ड में जिन कोर कॉन्सेप्ट की नॉलेज जरूर होती है वो है मैकेनिक्स, किनेमैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के साथ मिलकर काम करती है। 19th सेंचुरी में फिजिक्स के फील्ड में हुए डेवलपमेंट्स की बदौलत मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस सामने आई और तब से लगातार टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करते हुए आज मैकेनिकल इंजीनियर कंपोजिट्स, मैंकोट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बनाने वाली फैसिलिटीज जैसे कि रेफ्रिजरेशन, माइक्रोवेव कुकिंग, हाई फिडेलिटी साउंड रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बदौलत पॉसिबल हो पाई है। इस फील्ड में स्प्रिंग जैसा स्मॉल कंपोनेंट भी आपको मिल जाएगा तो मॉडर्न इंजन जैसा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट भी मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी ब्रॉड टॉपिक है जिसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग स्पेशलिटीज अवेलेबल है और इसकी मोस्ट कॉमन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं अकुस्टिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, व्हीकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर हम जाने तो ये है बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, कंबस्टन एंड द एनवायरमेंट, ग्राउंड व्हीकल सिस्टम्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जी सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल डिजाइन, सिस्टम डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप अब केवल बड़ी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ हुए एडवांसमेंट्स ने बहुत सारे नए डोमेन्स को तैयार किया है, जिनकी वजह से अब इस एरिया में स्कोप और करियर ऑप्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक्स फील्ड्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे इनोवेशंस जो बहुत समय पहले हुए लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस आज भी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने एडवांस मशीन्स के फॉर्मेशंस को बेस दिया। ऐसे कुछ इन्वेंशंस हैं व्हील एंड एक्सल, विंड मिल्स, प्रिंटिंग प्रेस, स्प्रिंग, स्क्रू और इलेक्ट्रिकल मोटर्स। इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में काफी स्कोप मिलता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रांसमिशंस, इंजन पार्ट्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स, कंट्रोल सिस्टम्स, गैस टर्बाइन, विंड टर्बाइन, रोबोट्स एंड मशीन टूल्स जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स प्रोवाइड कराती है। इस फील्ड की स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, एयरक्राफ्ट और बाकी हैवी व्हीकल्स की डिजाइनिंग की नॉलेज गेन करते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर्स इन फील्ड के कोर प्रिंसिपल्स को यूज करने के साथ साथ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जैसे टूल्स का यूज करते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड मशीनरी, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, रोबोटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे कई सारे डिजाइन एनालाइज किए जा सके। मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में होती है और एक मैकेनिकल इंजीनियर का वर्किंग क्राइटेरिया उस कंपनी के टाइप और डोमेन पर डिपेंड करता है जहां पर वो काम करता है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन एरिया में वर्किंग क्राइटेरिया को अफेक्ट करता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स न्यू बैटरीज भी डिजाइन करते हैं तो एथलेटिक इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, पर्सनल कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी डिजाइन करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील, पावर सेक्टर, हाइड्रोलिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ड्रिलिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, एरोनॉटिकल और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई सारे एरियाज में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काफी सारा स्कोप है और अब तो एनवायरमेंटल और बायोमेडिकल फील्ड्स में भी उनकी जरूरत पड़ने लगी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स ऐसी टीम्स में काम करते हैं जो स्पेस शटल व्हीकल्स, हर साइज और शेप्स के एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, टर्बाइंस, पंप्स, पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज जैसे प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के रोल को अगर हम समझे तो मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रॉब्लम को एनालाइज करके पता लगाते हैं कि एक मैकेनिकल डिवाइस कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। मैकेनिकल डिवाइसेस को डिजाइन या रीडिजाइन करते हैं, ब्लूप्रिंट्स को तैयार करते हैं ताकि डिवाइस बिल्ड की जा सके। डिवाइस के लिए प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और उस प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं, टेस्ट रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और जरूरत के अनुसार डिजाइन में चेंजेस भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत तरह के टूल्स, इंजन और मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इंटरनल कम्बस्टन इंजन, स्टीम एंड गैस टर्बाइन्स, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स जैसे कि कन्वेयर सिस्टम्स और ऑटोमेटेड ट्रांसफर स्टेशंस, पावर यूजिंग मशीन्स जैसे कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, रोबोट्स, एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स एक्सेट्रा। मैकेनिकल इंजीनियर्स के भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे ऑटोमोटिव रिसर्च इंजीनियर्स,
ऑटोमोटिव रिसर्च इंजीनियर्स का काम कोर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, जिसके लिए वो सस्पेंशन, एरोडायनेमिक्स और न्यू पॉसिबल फ्यूल्स जैसे फीचर्स को इम्प्रूव करने पर वर्क करते हैं। उनका फोकस पैसेंजर कार्स, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल और ऑफ रोड व्हीकल्स पर रहता है। न्यू प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनका काम होता है। दूसरे टाइप पे आते हैं हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स इंजीनियर्स। हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम इंजीनियर्स एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स, कंप्यूटर रूम्स और स्कूल्स के लिए एनवायरमेंटल सिस्टम डेवलप करते हैं, जिनमें टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी को सर्टेन लिमिट्स में बनाए रखना होता है। बिल्डिंग्स के लिए एनर्जी लॉसेस को कैलकुलेट करना भी उनका काम होता है। थर्ड टाइप में आते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर्स। रोबोटिक्स इंजीनियर ऐसे रोबोट्स और रोबोटिक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ड्यूटीज परफॉर्म कर सके। उनका ज्यादातर टाइम रोबोट्स को बनाने के लिए प्लान डिजाइन करने में बीतता है और वो रोबोट को सही ढंग से चलाने के लिए नेसेसरी प्रोसेसेस को भी डिजाइन करते हैं। चौथा टाइप आता है मटेरियल्स इंजीनियर्स। मटेरियल्स इंजीनियर्स बहुत से इंजीनियरिंग फील्ड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, न्यूक्लियर और एरोस्पेस। और इसके लिए वो न्यू मटेरियल्स को तैयार करने के लिए मटेरियल्स को डेवलप, प्रोसेस और टेस्ट करते हैं, ताकि सर्टेन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री रखने वाले कैंडिडेट के लिए एनर्जी, बायोमेडिसिन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाटर और नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में काफी अच्छा स्कोप रहता है। और क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल अक्सर हाई रहता है, इसीलिए एक ग्रेजुएट के पास एडवांस नॉलेज और एक्सपीरियंस होने पर ही उसे हाई पोजिशन मिल सकती है। इसलिए अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहना स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि स्किल्ड कैंडिडेट्स के लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज में हाई सैलरी पैकेज वाली जॉब्स अवेलेबल हैं। इसलिए आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनिएगा, और इसके लिए हर बार बेस्ट एफर्ट्स तो आपको देने ही होंगे। तो इसी के साथ ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स लिख करके जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। बाकी हमेशा आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे उसके लिए आपको दो ही काम करने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको हर टाइम। रूबी कहेगी अभी के लिए आपसे धन्यवाद।